बोलो सभी का पहले बनेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बोर्ड. तो उसमें इन दैट वी हैड सीन इश्यूअर इन्वेस्टर इंटरमीडियरी. इश्यूअर के लिए दो है पे डीलिंग फंड एक्ट लो कॉस्ट माने तेरा आएगा इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन देगा एंड स्टेडी फ्लो ऑफ सेविंग्स इन द मार्केट. वेरी नाइस. लास्ट में क्या आएगा इंटरमीडियरी दो सी कोड ऑफ कंडक्ट एंड मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल. वेरी नाइस. मैंने उसके बाद अपने देखा था वी हैड डन यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द बोर्ड. इसमें अपने आरपीसी किया था यार रेगुलेट पी से क्या आएगा प्रोहिबिट सी से क्या आएगा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. क्लियर है या इन्फॉर्मेशन कलेक्शन कहां से करेंगे. रेगुलेटरी अपने देखा था चार स्टॉक एक्सचेंज है वन में इंटरमीडियरीज है शेयर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक डिपोजिटरीज. ओके एंड लास्ट में क्या आएगा सब्सट्रैक्शन एक्विजिशन करेगा तो देन सेबी विल एंटर द enter in the matter. Okay. Bane agar hai prohibiting food practices and insider trading. Food practices kya hai? Fraudulent and unfair trade practice. And then last aega calling for information. Kis se? Banks, audit of mutual funds log se aega and dusra kya aega? Exchanges se we will call for information. Easy. Okay. Then after this we are done ki section 4 apne kya hai? सही फोटो वाले कहा कि मैनेजमेंट कौन आएगा. पहले आएगा चेयरपर्सन पहले दो मेंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. अच्छा दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा माने तो नेक्स्ट आएगा वन फ्रॉम आरबीआई नॉमिनेटेड बाय आरबीआई. पांच लोग पांच में से तीन थ्री शैल बी होल टाइम डायरेक्टर्स. अच्छा अभी तेरा जो ए एंड डी है दे विल बी अपॉइंटेड बाय सीजी. दे शुड हैव एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग प्लस कैपेसिटी ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन रिलेशन टू मार्केट्स और लीफो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लीफो लॉ इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड एनी अदर डिसिप्लिन. परफेक्ट यहां तक नो इश्यूज एट ऑल. ये अपना ये खत्म हुआ. इसके बाद मैंने देखा था सेक्शन 5 मतलब रिमूवल कैसे कर सकते हैं सीजी. सीजी को निकालना रहेगा तो 3 months नोटिस इन राइटिंग और 3 months सैलरी इन लीव. ये सिंपल बात है ना. अच्छा एक और गुस्सा तो 3 months नोटिस इन राइटिंग ये कौन देगा चेयरपर्सन या फिर मेंबर चेयरमैन या मेंबर को निकलना है तो ये दे देंगे ए और डी के लिए. हाँ 3 months नोटिस इन राइटिंग किसी को निकलना है तो 3 months के लिए ए और डी. यस ए और डी इसके लिए भी ठीक है. इसके लिए भी ए और डी है फॉर दिस पार्ट. नो 3 months नोटिस इन राइटिंग इट इज फॉर ए एंड डी ओनली. उन लोग के लिए ये है ठीक है. एक मिनट उनके लिए आगे पहले देखा था रिमूवल पहले देखा था सेक्शन 6 के टू को अब्यूज किया. के से क्या आएगा कंगाल मतलब इंसॉल्वेंट. पी से पागल मतलब क्या आएगा अनसाउंड माइंड. ओके कनेक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड वन में अब्यूज इज पोजिशन. वेरी नाइस. अच्छा इसको निकालने के पहले जरूर गिवअप. वेरी नाइस. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. ये 4, 5, 6 क्लियर एकदम. अच्छा इसके बाद अपने क्या था देन आफ्टर दैट वी वेंट टू सेक्शन 11(3) याद है 11(3) 11(3) वाज इन रिलेशन टू तुम लोग का पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट याद है कि नहीं है. इसमें हमने देखा था पहले कि वही सेम जो अपन देखा था कहां देखा था सिविल कोर्ट का पावर पहले 207 याद है कि नहीं है. दैट इज व्हेन वी डिड इंस्पेक्शन चैप्टर. सो देयर वी हैड सीन डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स माने एनफोर्सिंग एंड इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एंड समरिंग देम ऑन ओथ या आस्किंग देम क्वेश्चंस ऑन ओथ एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ. अच्छा बारे में क्या था इंस्पेक्शन ऑफ ब्रो सेक्शन 12 इंस्पेक्शन ऑफ ब्रो लिस्टेड कंपनी और कंपनी इंटेंड टू बी लिस्टेड. ब्रो क्या है बुक्स रजिस्टर्स अदर डॉक्यूमेंट वापस बुक्स रजिस्टर्स अदर डॉक्यूमेंट दोनों का क्या इंस्पेक्शन. लास्ट में इश्यूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स. यह मैंने देखा था 5 points. इजी मैं तेरा फेवरेट आंसर कौन सा वाला 11(4) वाला दैट इज बेसिकली दिस पार्ट. इसे हमने पहले दिखा था मेरा मार्केट है सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट इफ देयर इज एनी पर्सन ऑलरेडी इन द मार्केट प्रोहिबिट हिम फ्रॉम बाइंग सेलिंग डीलिंग विद सिक्योरिटीज. याद क्लियर एकदम. वो क्रॉस के उसके बाद जो है वो प्रोहिबिट है सिंपल है. बाद में सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर्स अगर जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे इंपाउंड और रिटेन सिक्योरिटी और प्रोसीड्स. अच्छा बाद में जो भी पैसा रहेगा जो भी कैरी अटैक बैंक अकाउंट यस प्रोसीजर क्या दोस्त एप्लीकेशन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास. अच्छा उन लोग देंगे परमिशन दे वी कैन ओनली अटैच द बैंक अकाउंट व्हिच आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन. सुपर मस्त आ रहा है. बाद में इंटरमीडिएट या एनी पर्सन एसोसिएटेड मार्केट्स के रिलेटेड क्या किया था अपन ने केयर ऑफ डिस्पोज ऑफ और एलिनेट एन एसेट. ये परफेक्ट सब लोग यहां तक एकदम सिंपल. ओके दिस इज 11 4 माने बन गए थे 11 ABCD
पहले अच्छा प्रोस्पेक्टस, 11A प्रोस्पेक्टस, माने मतलब बी बड़ा डायरेक्शन, सी से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डी से डिसिस्टेंस, सी इज प्रॉपर बोलेंगे सीज एंड डिसिस, जो भी है ठीक है, आ जा वो देख लेते आराम से, ये भी सिंपल था। पहले मैंने देखा था प्रोस्पेक्टस, बराबर है ना, प्रोस्पेक्टस में मैंने देखा था दो आएगा, पहले क्या आएगा रेगुलेट, दूसरा क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर क्या आएगा जनरल और स्पेशल ऑर्डर, रेगुलेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, रेगुलेट कैसे करेंगे, इश्यू ऑफ कैपिटल के टाइम पे या तो फिर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के टाइम पे, ये क्लियर है। अच्छा जब भी अपन प्रोहिबिट कर रहे हैं, एक मिनट, जब भी अपन ऑर्डर पास कर रहे हैं, वी कैन इधर प्रोहिबिट द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस और सब्जेक्ट कंडीशंस बेस्ड ऑन द प्रॉस्पेक्टस कैन बी इश्यूड, तो लोगों मैंने यहाँ पे थायरो करके एग्जांपल दिया था मैंने, याद है कि नहीं, तो वो बेसिस आ गया था यहाँ पे। सेकंड आ जाता है यहाँ पे डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपने तीन चीज देखा था, व्हेन कैन सेबी गिव डायरेक्शन अंडर 11B, बिकॉज बड़ा डायरेक्शन इट इज, अच्छा एक मिनट, आई जस्ट वन मिनट, आई जस्ट प्रेजेंट एवरीथिंग सो इट इज इजी फॉर यू टू टेल। यहां पर देख रहे पहले यहां पे इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, जो लेफ्ट में लिखा कंडक्ट इज कैरिड आउट इन अ डेट्रिमेंटल मैनर, ठीक है, नॉट एज पर सेक्शन ऑफ पर्सन्स इन रिलेशन टू सेक्शन 12, पहले अपने देखा था जिनको रजिस्टर होना चाहिए, पहले अपने देखा था कि एसपीएम सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पर्सन रजिस्टर अंडर सेक्शन 12 और फॉर मैटर्स इन रिलेशन टू 11A, 11A क्या था, प्रॉस्पेक्टस, परफेक्ट यहां तक एकदम क्लैरिटी इसमें। 11C क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या था, रिव्यू का बिलीव दैट सीडीएम कंडक्ट इन डेटिमेटेड मैनर और वायलेटेड एनी प्रोविजन, याद है कि नहीं है। अच्छा बाबा किसको पॉइंट करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, वो क्या करेगा रिपोर्ट बनाएगा, किसको देगा, सबसे ईजी है तो सीडीएम भी पता रहना चाहिए, सीडीएम तो वैसे भी आता है अपने को। नेक्स्ट आया था 11D, दैट इज डिसीजन सीज, जैसे अपन बोल रहे हैं, ओके। नाउ हियर यू आर सीइंग व्हाट सेबी फाइंड्स, व्हाट वीपी वायलेशन ऑफ प्रोविजन और लाइकली टू वायलेट प्रोविजन, तो सीधा डिसीज कर सकता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में छोटे मोटे मैटर के जा सकते हैं, बड़ा मैटर रहना चाहिए, बड़ा मैटर क्या बोलेंगे, इंसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, इसको अपन क्यूट वर्ड क्या दिया अपने, इंट्रा मामा, इंट्रा मामा, मामा इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मामा, ट्रिब्यूनल, ओके नाउ टेल मी द फर्स्ट वील ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी द हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट विद एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस, पहले 7 है, 7 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा इसको अपॉइंट कौन करेगा यहाँ पे, सीजी इन कंसल्टेंट, सीजीआई और इज नॉमिनी। अच्छा एक और आदमी को सीजी इन कंसल्टेशन विद सीजीआई और नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, किसको करेंगे, ये था नेक्स्ट मेंबर, दैट इज जुडिशियल मेंबर, याद है कि नहीं है। अच्छा इसका मैंने एरो वाले बनाया था, ये आएगा यहाँ पे एटलीस्ट 1 को अपॉइंट करना चाहिए, ये कौन रहेगा, जज ऑफ द हाई कोर्ट विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये क्लियर यहाँ तक। अच्छा तीसरा आदमी कौन आएगा यहाँ पर, टेक्निकल मेंबर, बोला एटलीस्ट 1 टेक्निकल मेंबर, ये कहां से आ सकता, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द ऑफिस ऑफ सीजी और इक्वल पोजिशन इन सीजी और एसजी और अ पर्सन विद एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग विद फील्ड सिक्योरिटीज मार्केट पेंशन कमोडिटी डेरिवेटिव्स इंश्योरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, इजी याद है। अच्छा इसके बाद हमने देखा था कि इन लोग मुंबई में रहेंगे या सच द प्लेस एज सीजी इन कंसल्टेशन विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल डिसाइड, एंड लास्ट हमने देखा था यहाँ पे कि एवरी बेंच शैल हैव एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर, ये अपने क्लियर किया था यहाँ पर, ठीक है, एसएटी के मैंने अपने देखा था कि ये जो टेक्निकल मेंबर है ना इसको को अपॉइंट करता है यहाँ पे सर्च कम सिलेक्शन कमिटी सिलेक्ट करेगा इसको, इसे बैठेंगे कौन, अभी उसे बैठेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयर पर्सन, हमारी तरह जो सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आएगा तेरा यहाँ पे सेक्रेटरी, नेक्स्ट आएगा तेरा एक मिनट लीगल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी इन द लीगल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, तो आगे तेरा डीएलए एनडी बनने आएगा लास्ट में सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कन्वीनर ऑफ मीटिंग कौन रहेगा, इकोनॉमिक अफेयर, इन लोग क्या करेंगे प्रोसीजर डिसाइड करेंगे और डिसाइड करेंगे द मैनर इन विच द नेम एंड मैनर इन विच द टेक्निकल मेंबर विल बी अपॉइंटेड। अच्छा इनका टेन्योर कितना रहेगा दोस्त, 5+5 बट अप टू द एज ऑफ 70 ईयर 70, परफेक्ट, जब तक क्लियर एकदम।
इसका वही हुआ. आज आप 15A जस्ट चलिए 15A वाज व्हाट अचीफ फुफीमा. अचीफ फुफीमा मतलब क्या? फर्निशिंग कर रहा है टाइम पे फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद इन टाइम स्पेसिफाइड. एंड लास्ट में क्या कहते हैं मेंटेन एनी बुक्स दैट इज ए सिंपल. पेनल्टी कितना है 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच इज लोअर. भागा इंटरमीडिएट बीस आएगा भागा इंटरमीडिएट मतलब क्या आएगा? He was supposed to enter into an agreement with the client, but fails to enter into an agreement with the client as per SEBI norms. But उसे किया नहीं है तो पहली लगेगा उसको कितना लगेगा? 1 lakh per day और 1 crore which is lower. Simple है. C side अगर हमें crying member crying करके किसी पास गया वो SEBI के पास मतलब company का नाम सुनता नहीं है. Grievance लेके company को डंडा मिला कहाँ से? SEBI से. सुधरता नहीं है पहली लगेगा क्या? लगेगा. कितना लगेगा यार? 1 lakh per day और 1 crore which is lower. Company को यहाँ पे अपील फाइल करना है जा सकता है क्या? किसके पास जाएगा? एसएटी कौन से सेक्शन में जाएगा? 15T एसएटी का बात उसको अच्छा नहीं लगा कहां पे जा सकता है? 15Z और क्वेश्चन ऑफ लॉ 15Z में जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास. आगे 15D डिफॉल्ट बाय म्यूचुअल फंड. बोलो रे बोलो पहले डिफॉल्ट कैसे आएगा? पहले गेट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इवन इफ इट हैज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस. हैज नॉट मेड द एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग. हैज नॉट रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी ऑन टाइम. हैज नॉट इन्वेस्टेड इन द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन द मैनर रिक्वायर्ड. ये किया तो 15D के अंदर पेनल्टी दैट इज डिफॉल्ट बाय म्यूचुअल फंड. डी साइड का डिफॉल्ट बाय म्यूचुअल फंड. फिर अगर एफ एफ साइड का फालतू स्टॉक ब्रोकर. सी एन फेल टू इश्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट. फेल टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी. फेल टू मेक पेमेंट चार्जेस एक्सेस ब्रोकरेज. टेल यू व्हाट इज द पेनल्टी फॉर चार्ज एक्सेस ब्रोकरेज? 5 times ऑफ द अमाउंट ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज और 1 lakh व्हिचएवर इज हायर. व्हाट अबाउट फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटी और मेक पेमेंट? 1 lakh पर डे और 1 crore विच इज लोअर. फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट. अभी 5 times ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट. परफेक्ट है. ओके देन वी से टॉक टॉक ओवर द ग्रेट क्राइम. ओबो डील्स इन सबको से बुक्सी कम्युनिकेट्स उपसी कॉप प्रीलिम्स सबको और बुक्सी. गो वेरी स्लोली विद मी. ओबो डील्स इन सबको से बुक्सी. इसमें टाइम लगेगा कहीं रिविजन करेंगे हो जाएगा. बोला ओबो क्या आएगा? ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन. ओबो डील्स इन सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट वेयर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेस ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेट उपसी कम्युनिकेट अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन विथ और विदाउट हिज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. परफेक्ट. लास्ट इधर आएगा उसके बाद काउंसिल्स ऑफ प्रोक्योर्स for any person cop to deal in securities of a body corporate on the basis of unpublished price sensitive information. That is a 15G. What is the penalty? 20 crores or 3 times the amount of profit whichever is higher. Great crime. Pehla penalty ka 15I. Bolo I se aayega I am adjudicating officer. I am adjudicating officer to aayega I. Is that wo flow mein aaja? Kaise flow mein? बोलो पहले आएगा यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. कौन विल रैंक ऑफ द डिविजनल चीफ? पहले वो क्या करेगा? आरओबीएच. माने क्या करेगा? अटेंड में बुलाएगा. समन एनी पर्सन ऑर्डिनेंस एंड टेक एविडेंस फ्रॉम देम. माने विल चार्ज पेनल्टी. नाउ पेनल्टी चार्ज किया. पेनल्टी चार्ज में वी गो टू 15J अगेन कम बैक. 15J में क्या लिखा? पेनल्टी कैसे चार्ज करेगा वो? यू आर लॉस रिपीटेटिव द डिस्प्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज दैट द अदर पर्सन हैज गॉट दैट दिस पर्सन हैज गॉट लॉस कॉस्ट टू द अदर पर्सन एंड डिफॉल्ट. ये देखिए पेनल्टी चार्ज करेगा. याद है क्लियर? हमारे बंद देख रहे हैं कि वापस आ जा सभी अनाउंस कर सकता है पेनल्टी. सभी का यूज करेगा कैन मर. याद हमने कोड चेंज किया कैन मर क्या दिया. कैन से सी से आएगा कॉल एनी इन्फॉर्मेशन. ठीक है बाने क्या करेगा? कॉल एग्जाम द रिकॉर्ड. बाने क्या करेगा? ए सर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का डिसीजन इज एरेनियस इफ इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. क्लियर है? बाने बंद देख रहे हैं मेक एनी एंक्वायरी. ई से क्या आएगा? एनहांस द पेनल्टी एंड आफ्टर गिविंग द रीजन ऑपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दैट वी एडेड आर एट द एंड रीजन ऑपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यार क्लियर है? इफ इट हो गया 15I 15J. क्लियर? अच्छा नाउ आई कैन कम बैक टू 15T. व्हाट वाज 15T? अपील टू सैट. एक सेकेंड बोलो अपील टू SAT 15T. अच्छा अपील कर सकते अपन कैसे फ्लो में जा रहे हैं? पहले तो मेरा होना चाहिए अग्रीड पर्सन. मैं अग्रीड क्यों? ऑर्डर से भी या तो फिर अग्रीड अथॉरिटी से मैं खुश नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे विद इन 45 days ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर आई कैन मेक एन अपील टू द SAT. SAT सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल. नाउ SAT क्या करेगा यहाँ पे?
फॉर द डीले रहेगा तो कैन इट एक्सेप्ट द अपील यस प्रोवाइड आई शो सफिशियंट कॉज फॉर द डीले सफिशियंट कॉज फॉर द डीले हाउ शुड दे वर्क एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल स्पेलिंग देख लिया expeditiously as possible and an endeavor shall be made to complete it within how many months 6 months ye likha hoga pakka acha iske baad now they will do what they'll go do the examination by themselves and after that they'll give their decision theek hai they can either confirm modify or set aside the order and they'll communicate their decision to parties involved SEBI or adjudicating authority and the adjudicating authority is that clear if I'm not happy with the decision of SEBI then appeal to Supreme Court within how many days? 60 days. From the date of communication of SAT's order. Or any question of law. Can the Supreme Court give me extension? Yes. For how many days? 60 days. That is 60 plus 60. Provided I show sufficient cause for the delay. Perfect. That is 15 minutes. Easy.